नमस्ते, मौसम केंद्र जयपुर में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर है और बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले यदि पिछले 24 घंटों में हुई बारिश पर नजर डालें तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में के भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो भदेसर चित्तौड़गढ़ में 126 mm अति भारी बारिश दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के मेड़ता नागौर में भी 99 mm रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। आज यदि सिनॉप्टिक सिचुएशन को देखें तो आज भी पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी जैसलमेर और लो प्रेशर एरिया से होकर गुजर रही है। एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इन तीनों सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। विशेष रूप से अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होगी। वहीं साउथ राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में 15 सितंबर से एक नए लो प्रेशर सिस्टम का असर शुरू होगा और एक बार फिर से नए सिरे से 15 सितंबर से मानसून पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में सक्रिय होगा। इस दौरान पुनः कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना 15 सितंबर से फिर बनेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय बना रहेगा। अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश बीकानेर जोधपुर संभाग के जिलों में होगी। वहीं नए लो प्रेशर सिस्टम का असर भी पश्चिमी राजस्थान में 16 और 17 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और इस सीजन की मानसून बारिश की यदि बात करें तो आज दिनांक 11 सितंबर तक पूरे प्रदेश में औसत से केवल 3% कम बारिश दर्ज हुई है और आगामी दिनों में मानसून की सक्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि ये बारिश जो कमी है ये पूरी तरह से निकल जाएगी और एक अच्छे मानसून जो है वो मानसून रेनफॉल पूरे सीजन में रिकॉर्ड होगा। धन्यवाद। राधेश्याम शर्मा, मौसम केंद्र जयपुर।